हम आपसे कह रहे कि हमारे मुख्यमंत्री जी से हमें किसी बात की चर्चा नहीं हुई, उनकी एनिवर्सरी थी शाम कल, लेकिन मैं लेट आ पाई डबरा से, इसलिए मैं सवेरे उनको बधाई देने चली गई, बस इतनी सी बात। अरे हम कह रहे नहीं है कि हमारा नया कार्यालय है, इसमें अब हम आए हैं तो देखें तो हमारा कार्यालय कैसा है। अब वो हमारे वरिष्ठ नेतृत्व जानेगा, जो भी हमें मिलेगा उसको जिम्मेवारी से निभाऊंगी। ये हमारा, हम तो चाहते हो बने कि केंद्रीय नेतृत्व का निर्णय है। भाजपा में हम एक कार्यकर्ता के नाते आए हैं और एक मंत्री के रूप में भी काम कर रहा हूं और भाजपा एक कार्यकर्ता के रूप में काम कर रहा हूं। काम करने में बहुत अच्छा लग रहा है। भाजपा सबको, सबकी सुनने और सबका सहयोग करने वाली पार्टी। कुछ सामान्य चर्चा थी, अध्यक्ष जी से मुलाकात थी और अब चूँकि हमारे भाजपा के अध्यक्ष हैं तो मिलके संगठन के बारे में बात हुई, आने वाली रणनीति कैसे करना है, जो भी अध्यक्ष जी निर्देश देंगे वैसे सब लोग काम करेंगे। ये मंत्रिमंडल का विस्तार मुख्यमंत्री जी का अधिकार क्षेत्र है, वो ये प्रश्न आप उनसे पूछिए। यदि भाजपा में आपने स्वयं देखा है कि अब उनका सब मिलके सिंधिया जी, शिवराज सिंह जी, नरेंद्र तोमर जी, सभी लोग मिलकर और हमारे भाजपा के अध्यक्ष शर्मा जी सब मिलकर आप सबका एक ही लक्ष्य है इस समय तो हम लोगों के कि 22 सीटें हमारी जो हैं, 24 सीट हमारी जो है वो जीत कर आएँ और विश्वास हासिल करके फिर संगठन को, पार्टी को मजबूत करेंगे।